हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि GCA। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आज का हम लोगों का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है? तो देखते हैं इसके ऊपर कंपनीज एक्ट का क्या कहना है। कंपनीज एक्ट का साफ साफ कहना है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। सो इसीलिए ईच एंड एवरी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट सम कंपनीज आर एग्जेम्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने ये इन कंपनीज एक्ट का प्रोविजन ही यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। तो सो सिंपल कि क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है? यस, इट इज़ मैंडेटरी। Somehow some companies are exempt from preparing the cash flow statement. Now, what is the meaning of cash flow statement? मतलब अगर मैं तोड़ तोड़ के शब्दों को ले कर चलूँ कि cash का मतलब क्या होता है, flow का मतलब क्या होता है और statement का मतलब क्या होता है, तो चलिए अब उसको समझते हैं। कैश का सीधा सा मतलब है जिसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो कैश कहलाता है। यहाँ पर जैसे कैश का मतलब कैश इन हैंड जो कि आपका ऑलरेडी कैश में है, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आसानी से बिक सकता है, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आप बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल दीज फोर आर जनरली कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का क्या मतलब होता है? तो फ्लो का मतलब कैश का आना और कैश का जाना। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो का मतलब कैश रिसीव्ड एंड आउटफ्लो का मतलब कैश पेड भी है। एंड अच्छा, ऊपर जो कैश है तो इसमें ये एक्सक्लूसिव और भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी है, जो काम की चीज़ें उसी को मैंने कैश में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस डीपली इन दिस वीडियो अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, रादर हम इतना ही करेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चंस हमसे हो जाएं एग्ज़ाम में। और आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट का यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो वह हमें वो स्टेटमेंट बनानी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट पे लागू होती है। तो हमें ये जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट हमें लेकर चलना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अभी फ़िलहाल इनडायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक। तो यहाँ तक तो नॉर्मल था। तो क्या अकाउंटिंग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है? यस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज एंड सम आर एग्जेम्प्ट। जनरली सभी पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, और कैश का मतलब, फ्लो का मतलब एंड स्टेटमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया। आप सब जानते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी की होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो हमें यहाँ पे कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज़ के जरिए दिखाना होता है, जो कि आप जानते हैं आई थिंक। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो थर्ड है दैट इज़ अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में हम लोग केवल ऑपरेटिंग तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग भी करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, फीचर एंड ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ये थ्योरेटिकल बातें हैं तो आप इसे बुक से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मैं बस क्वेश्चन बनाने के लिए जो सिंपल सिंपल मेथड हैं वो बस आपको बताऊँगा, जिससे आपसे एग्ज़ाम में बस क्वेश्चन बन जाए। चले देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कैलकुलेट नहीं होती है, सीक्वेंस में कैलकुलेट करना है। जो पहला था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दूसरा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एंड लास्ट में आपको कैलकुलेट करना होगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जब आपके पास ये आ जाएगा उसमें से आप लेस करोगे टैक्स पेड, फिर आपके पास आंसर होगा किसका? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपने लिखना है फ्रॉम, और नेगेटिव आया तो आपने लिखना है यूज्ड इन। तो दैट विल बी योर फॉर्मेट फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सिंपल सी बात है, ये 3 आपको आंसर सीक्वेंस में निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखेंगे, उसमें ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे सीक्वेंस में, एंड देन उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करोगे आप, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा।
ये चीज़ें इसके बारे में अभी वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे कि कैसे कैसे आइटम्स को लेना है, बट फिलहाल ये है। एंड जब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा तो उसमें आपको कुछ आइटम्स जो जनरली 90% क्वेश्चनों में होते ही है, मतलब आप 10% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट है, तो मैं उनको यहाँ पर नहीं ले रहा। आपको बस वही क्वेश्चंस ले वही टॉपिक ले रहा हूँ जिससे जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप देखो ऊपर की ये सारे आइटम जो हैं, इन आइटमों को प्लस करना है और माइनस करना है, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो प्लस आइटम और माइनस आइटम मैंने ऊपर रखा, इनको हम लोग नॉन कैश आइटम भी बोलते हैं या नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आने के बाद आपको एक एडजस्टमेंट करना है जिसको शॉर्टकट में कहते हैं DII, यानी डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करेंट एसेट और डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। इनको प्लस माइनस करने के बाद नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, एंड देन उसमें से आपने लेस टैक्स करना है तो आंसर आएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ आपको क्वेश्चन। तो जैसे कि ये देखो मैंने ऊपर लिखा है करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, 2016 इज़ द करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अगर 2015-16 है। सरप्लस मैंने 50,000 और 35,000 लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको लेना होता है, वही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर में 45 लिखा और करेंट ईयर में 30 लिखा, तो प्रॉफिट इसका मतलब नहीं है, ये लॉस है। अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, घट रहा है तो लॉस है। तो फिर जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करोगे तो आपने लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी ऊपर की जो एग्जांपल थे वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कोई एक। तो अगर आपने जैसे ये नेगेटिव लिया ना, तो इसे आपने ब्रैकेट में लगाना, और अगर पॉजिटिव लोगे तो ब्रैकेट नहीं लगाना है। लॉस होगा तो ब्रैकेट लगा देना, अगर प्रॉफिट होगा तो ब्रैकेट को नहीं लगाना है। लॉस कब होगा? जब आपका प्रॉफिट कम हो रहा होगा प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर, सी वाई का मतलब करेंट ईयर। अब देखें 2016 और 2015 मैंने ले लिया, 16 करेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर 2015 है। इसी तरीके से जनरल रिजर्व अगर गिवन होगा तो क्या करेंगे? तो जैसे मान लो जनरल रिजर्व 2016 में 15,000 है और 2015 में 10, तो यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 होगा, यानी कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दोनों के डिफरेंस से हम निकालते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो सिंपल था। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर कि इसके लिए क्या करें नहीं करें। तो इसके लिए तीन केसेस हो सकते हैं इसके, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहला केस क्या है वो देखें। केस 1, अगर एडजस्टमेंट में, इन एडजस्टमेंट क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन के जनरली एडजस्टमेंट में आपके अगर लिखा हुआ है कि टैक्स, सीधे सीधे लिखा हुआ है टैक्स और कुछ नहीं लिखा हुआ, या ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर में ऐड करते हैं और सबसे नीचे लेस भी करते हैं। तो टैक्स जो है वो 10,000 अगर लिखा हुआ तो सबसे ऊपर ऐड भी करना है यही आइटम को, और सबसे ऊपर ऐड करने के बाद सबसे नीचे में लेस टैक्स पेड भी यही करना है। अभी जो फॉर्मेट बताया था तो उसमें मैंने दिखाया लिखा होगा अभी प्रोविजन फॉर टैक्स सबसे ऊपर में ऐड था एंड टैक्स पेड सबसे नीचे में लेस था। मान लीजिए इन एडजस्टमेंट जैसे कि टैक्स पेड केवल लिखा हुआ है तो भी सेम अमाउंट को ऊपर ऐड करना है और सेम अमाउंट को नीचे आपको क्या करना है, लेस भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कभी कभी प्रोविजन फॉर टैक्स नोट्स में दे देते हैं, नोट्स टू अकाउंट में मतलब, तो वहाँ पर, या फिर इन बैलेंस शीट भी होता है करंट लाइबिलिटीज वाले प्रोविजन में, तो वहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होगा अगर, और 2 ईयर्स होंगे से 2016 एंड 2017। तो 2016 में ले लेते हैं 10,000 और 2015 में मान लें 15,000 है, तो आपको 2016 वाला ऐड करना है और 2015 वाला लेस करना है। कहाँ पर लेस करना होता है? सबसे नीचे, और ये 2016 का जो है वो सबसे ऊपर ऐड होगा क्या लिखकर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये जो है इसको आप सबसे नीचे टैक्स पेड में लिखोगे।
तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया। एक लास्ट केस भी है इसका, जहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। तो लास्ट केस भी अभी देख लेते हैं, जहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा, देखो एक डेटा मैंने लिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है क्वेश्चन में 10,000 और 15,000, और नीचे एडजस्टमेंट में टैक्स पेड अगर गिवन है ये है, और नीचे अगर टैक्स पेड गिवन है 12,000 तो क्या करेंगे। तो एक सिंपली अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। अच्छा, ये अकाउंट आपका वर्किंग नोट में बनेगा, मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। दिस विल बी द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सिंपली आपने एक बनाना है। दो आइटम डेबिट में आते हैं इसके, और दो आइटम क्रेडिट में आते हैं, और कुछ भी डेबिट क्रेडिट में नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक अकाउंट बना लिया। सबसे ये क्रेडिट से स्टार्ट होता है, तो बाय बैलेंस ब्राउट डाउन अमाउंट, एंड डेबिट। सो इसको आपने लिख दिया यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन से 15,000 है तो 15,000 आपने लिख दिया यहाँ पर। एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन इज़ द 10,000, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 भी लिखेंगे इसको। और फिर डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड आता है, तो डेबिट साइड में अगर टैक्स पेड दिया हुआ है तो टैक्स पेड आप लिख दीजिए 1,000। और फिर बैलेंस करेंगे इस लेजर को, यानी कि 22, 22 में से 15 चला गया तो 7,000, तो उसको आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और यही आपका बैलेंसिंग फिगर हुआ 7,000, एंड दैट इज़ द प्रोविजन मेड, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये जो है ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है। बहुत ही सिंपल, अगर होगा पेपर में तीन आइटम गिवन होगा। अच्छा, अगर प्रोविजन मेड दिया हुआ तो उसको आपने क्रेडिट में लिख के फिर टैक्स पेड का बैलेंस आएगा। ये जो 7,000 है ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया था, इसको अब आप देखो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो टैक्स पेड है ये तो सबसे नीचे लेस होगा, और ये सबसे ऊपर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये ऐड होगा कहाँ पर, तो सबसे ऊपर ऐड होगा। ठीक, चलो अब देखते हैं डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड में क्या क्या केसेस आ सकते हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में डिविडेंड केवल गिवन है, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस डिविडेंड गिवन है, तो डिविडेंड आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है सबसे ऊपर, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आने से पहले आपको ऐड करना है। अगर इंटरिम डिविडेंड गिवन होगा तो वो भी ऐड करना है। अगर प्रपोज डिविडेंड होगा तो क्या करना है, देखिए प्रपोज डिविडेंड में ज़्यादातर क्या होता है, 2 ईयर्स का दिया होता है। तो मैं एक डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, 2 ईयर का डेटा गिवन होगा। प्रीवियस ईयर का 2016 और करंट ईयर का 2017 है। डेटा क्या करना है, ऐड करना है, करंट ईयर का डेटा ऐड नहीं करना है। ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब से आपको ऐसे ही करना है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐड होता है, लेकिन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है 10,000 का, तो फिर 10,000 का 10% 1,000 होगा, तो 1,000 आपको अलग से क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये भी डिविडेंड का ही पार्ट होता है। ओके, सो ये भी आपको प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे निकालना होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तब। तो आई थिंक डिविडेंड पे भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रीकैप कर लेते हैं, कि अभी तक हमने वीडियोस में जो जो सीखा उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहले आपको लिखना था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और ये एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे निकालेंगे ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपने लिया, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड देन उसमें आपको ऐड करना था तीन बातें, प्रोविजन फॉर टैक्स एक, फिर जी हाँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दो। कैसे निकालना है ये भी अब आपने सीख लिया।
तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तीसरी चीज डिविडेंड, कोई सा भी डिविडेंड हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हाँ ध्यान रहे डिविडेंड रिसिप्ड नहीं लिखना है आपने यहाँ पर, अगर डिविडेंड रिसिप्ट लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। डिविडेंड पेड केवल आपको यहाँ पर ऐड करनी है। एंड देन इसमें से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस भी करते हैं, बट मैं फिलहाल उस स्टेप को छोड़ देता हूँ। तो ये कहलाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमारा पहला एक आंसर आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये आंसर आने के बाद फिर आपको इसमें ऐड करनी थी नॉन कैश आइटम्स और लेस भी करना था। तो पीछे मैंने बताया था आपको नॉन कैश आइटम्स क्या हैं, तो नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट नहीं हैं उनको हम लोग बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो आप पीछे देख सकते हो। तो ये हो गया, ये सब करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारा दूसरा आंसर, दैट इज़ अ प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एंड देन उसमें आपको करना है क्या, डी डबल आई डी, तो सी ए सी एल, ऊपर मैंने चेंज में ई नहीं लगाया, कोई नहीं इग्नोर करें। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज, ये दोनों प्लस माइनस होने के बाद फिर आपके पास थर्ड आंसर आएगा, जिसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हो, या बेटर ये होगा कि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, एंड देन उसमें से आप लेस करेंगे क्या, टैक्स पेड, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर अगर पॉजिटिव आया तो आपने लिखना है फ्रॉम, नेगेटिव आया तो आपने लिखना है यूज्ड इन, जैसे नेट कैश फ्रॉम कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आई थिंक इतना याद करने के बाद, इस फॉर्मेट को याद करने के बाद आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड